कोई बिल पास कर लो, कोई कानून बना लो, सभी के बुजुर्गों का खून शामिल है इसे बनाने में। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान छोड़िए, उनके बाप भी हमारे बाल बाका नहीं कर सकते। हम यहाँ थे, यहाँ हैं और मरेंगे भी तो यही दफन होंगे। धन्यवाद। बिल का विरोध करते हैं। धन्यवाद। अब आप अगर इसको भी नहीं समझ पाओ तो फिर ये कैमरा हाथ में लेकर छोड़ दो बात करना। मैंने बता दिया जो कुछ बताना था। थैंक यू। माफिया राज के खिलाफ। थैंक यू। हाँ, होना चाहिए। अब इस तरीके से मतलब मैं अपने गेस्ट से मिलने आया हूँ, प्लीज। नहीं नहीं सर, फिर भी सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। अवैध रेत उत्खनन की बात हर जगह सामने आ रही है, लेकिन सीहोर में लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जितने रेत के मामले में जितने रॉयल्टी मिली है, जितने भी नीलामी हुई है, इसको देखने के बाद तो कमलनाथ जी की फोटो की पूजा करवाने लगो। कितने परसेंट में इजाफा हो गया, कितने करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, उसके बाद भी नहीं मानते। कंप्यूटर बाबा आपकी सरकार का हिस्सा ही है, वो बार बार आरोप लगाते हैं। नहीं, वो हम पे नहीं लगाते, वो मीडिया वाले उनको अपने व्यवसाय के लिए ले जाते हैं, मीडिया वाले उनको वापस ले आते हैं। आपकी सरकार के व्यवसाय कर रही है? नहीं, मेरी सरकार व्यवसाय नहीं कर रही। आप लोग जिस तरीके से तीन तीन चार चार दिन के लोग कैमरे हाथ लेके अपने आप को बड़ा पत्रकार समझते हैं, वो परेशान कर रहे हैं। धन्यवाद।